जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए सपा के ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव और पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद ने नामांकन किया, जिसके संबंध में सपा के ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी विजय बहादुर यादव ने बताया कि चुनाव जीतने पर जल जमाव को दूर करना पहली प्राथमिकता होगा और लगने वाले जाम के लिए फ्लाईओवर बनाना है जिससे कि जाम ना लगे। इसके साथ गाड़ियों के लिए पार्किंग बनवाया जाएगा जिससे कि सड़क पर वाहन ना खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर जनपद में अनेकों विकास कार्य किया जाएगा। वहीं संबंध में पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद ने बताया कि चुनाव जीतने पर जनता के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होगी और साथ ही खुटहन में खाली जमीन पर सपा सरकार बनने पर उद्योग लगाया जाएगा जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, पिपराइच के पूर्व विधायक राजमती निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव, पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद ने कहा, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं हरदम गए आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन हमारे हम लोग वाले सुन लीजिए चुकी जाएंगे। क्या करेंगे ये सबसे डर की कहानी बनाइए, बस अकेले विधायक जी बना लें, हम अकेले बना लें। हाँ करिए करिए, क्या दिक्कत है? एक मिनट दिया खाली मोबाइल से, लीगल पर्सन नहीं रहेगा, घटना है घटाना बनाना है, वहाँ कैसे कराएंगे आप? ये सब पे पकड़ा नहीं, डीएम साहब से बात कर लीजिए आप, ये हमेशा होता रहा है। कुमार सिंह डिप्टी डीओ हूँ, आप इसलिए बता रहा हूँ। चलिए प्रत्याशी अरे वो दो पर्चे में है ना, दो पर्चे में दो सेट है, चार चार सेट है। चलिए प्रत्याशी वन प्लस चार सेट प्रत्याशी है ना, प्रत्याशी के साथ दो आदमी बस और कोई नहीं, दो सेट में है, चार एक जाएगा, दूसरे सेट के लिए एक प्रस्ताव और जाएगा बस। कोरोना काल छिटक गया, लोग
नामांकन किया तो क्या प्राथमिकता रहेंगे, क्या अधूरे कार्य रह गए थे तो पिछले कार्यक्रम में पूरा किया जाएगा? देखिए, आज हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश उनके गहने बाद दाखिला हुआ और जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं को नौजवानों, किसानों, मजदूरों के लिए और क्षेत्र की जो मूलभूत उनके लिए काम किया जाएगा। क्या रह गया था जो पिछले साल जो आपको लग रहा है कि उसको पूरा किया जाना चाहिए? अभी रह गया ये हमारे यहाँ विधानसभा विपराज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुटान में एम्स के लिए ज़मीन दिया था, वो ज़मीन खाली पड़ी है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का, उस पर काम बाकी रह गया जिसपे नौजवानों को रोज़गार दिया जा सकता है कुछ उद्योग लगाकर, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आप नामांकन क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आप जनता के लिए? क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? हम लोग समाजवादी हैं। आज जो आम जनता के बीच में जिस कदर से आज गोरखपुर में CMCT कहे जाने वाला गोरखपुर, काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि गोरखपुर को जल जमाव से निजात मिलेगी, फ्लाईओवर होंगे, जाम से निजात मिलेगी। हम तो ये जानते हैं कि 5 साल के बीच में गोरखपुर में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, एक पंप हाउस नहीं लगा। हम लोग पिछली सरकारों में जब थे तो उस समय फ्लाईओवर भी बना, पंप हाउस भी लगा, तो पहला हमारा काम होगा कि गोरखपुर में जल जमाव से निजात दिलाना और फ्लाईओवर बना करके मुख्य चौराहों पर जाम से छुटकारा दिलाना, यह हमारी पहली और दूसरी प्राथमिकता होगी। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करके कम से कम गाड़ियों के खड़ा होने की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए उस पर भी काम करना हम लोगों का उद्देश्य है। और रही बात, आप तो देखेंगे, देख ही रहे हैं कि लैंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है। आप मनीष गुप्ता हत्याकांड को याद कर लीजिए, रक्षक ही बच्चक की श्रेणी में आ गया, तो इन स्थितियों को भी सुधारना हम लोगों की प्राथमिकता होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो गोरखपुर में काम करना है, आज समाजवादियों ने किया है और समाजवादी पार्टी की आज देन है कि गोरखपुर से देवरिया, गोरखपुर से महाराजगंज, गोरखपुर से कालेसर, गोरखपुर से सर्किट हाउस, ये सारे 4 लेन बने, नया सवेरा बना, गोरखपुर का नया लुक दिया गया, ये समाजवादी पार्टी की देन है। और हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और गोरखपुर की जो समस्याएं हैं हम लोगों ने 5 साल में देखा है और प्राथमिकता के आधार पर उसको ठीक करने का काम करेंगे।